पदाधिकारी अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए हमारे दोनों एसीपी साहब शांतिनगर भुईवाड़ा और बाकी स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई, बाकी भी हमारे जो है कर्मचारी सभी डीएसबी के, आप लोगों को सबको परसों के दिन से ये चल रहा है कि साहब का आने का प्रोग्राम लगभग तय हो गया है, लेकिन इसमें ऐसा है कि तैयारी अगर करनी है तो पूरे जोर शोर के साथ करनी है, उसमें कोई किस्म की आनाकाटी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो आने जाने के लिए, पब्लिक को आने जाने के लिए तकलीफ़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली है। और जिस तरीके से वर्के साहब ने और हमारे इंदलकर साहब ने आपको बताया गया है, वही हिसाब से आपको चलना है। ओवीसी साहब जो है वो एक सांसद है और एमआईएम के पूरे भारत के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद वो संभाल रहे हैं, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है और हम ये चाहते हैं कि किस्म की घटना उनसे रिलेटेड ना हो, ना किसी को यहाँ पे मौका मिले। तो आप जो ऑर्गेनाइज़र है, ये सभी लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बहुत मतलब सिक्योरिटी के साथ, अमन और शांति के साथ ये प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, देखा होगा आपने कि हमारे सभी अफसर, कल भी हमारे ऑनरेबल सीपी साहब भी आके गए, एडिशनल सीपी साहब भी आके गए, उन्होंने भी इसके बारे में हमसे सभी बातचीत की कि प्रोग्राम के बारे में किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से प्रोग्राम होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, क्या क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। तो जैसे हमारी जिम्मेदारी, वैसे जो चेक लिस्ट आपको जो बताया गया है उसके ऊपर आपको अमल करना है। आपके नज़रिए से जो आप देखते हैं उससे अलग नज़रिए से हम सिक्योरिटी और ये बहुत बड़ी सभा वो सब चीज़ को देख रहे हैं। और इसके पहले भी मतलब 6-7 हफ्ते पहले भी एक घटना हुई थी यूपी में, तो उसके ताल्लुक से हमें भी ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम उनके लिए करना, पूरे और बाकी के लोग हैं उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है और हम पूरी कोशिश उसमें कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम हो। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जैसे कि वो कहाँ कहाँ से लगभग वो बॉम्बे से सीधा एयरपोर्ट से अगर आते हैं तो हिसाब से हमारे एस्कॉर्ट ट्रैफिक वगैरह वो रहेगी, कौन से इलाके से आ रहे हैं, वहाँ कोई किस्म की ट्रैफिक की समस्या है ना हो, सीधा ये अपने ये सभा टावर स्टेडियम के बाहर जो है सभा के जगह पे हो, सुरक्षित सही और सुरक्षित तरीके से पहुंचना और सभा खत्म होने के बाद सही तरीके से अपने जो जहां उनको जाना है उस तरफ से जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए और सभा के स्थल पे जो जो सूचनाएं अभी दी है उसके ताल्लुक से आपको हर एक चीज़ वो पूरी करनी है, जैसे हमने वो कॉरपोरेशन के लोगों को बताया, पत्थर भीतर निकालना, सही तरीके से जो ग्राउंड साफ करना, लाइट की व्यवस्था रखना, जनरेटर की व्यवस्था रखना, क्योंकि अगर बीच में अगर लाइट जाती है तो लोग भी पैनिक हो जाते हैं और हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मतलब जितना टाइम वो रुकने वाले हैं उतने समय तक हमको बहुत अमन और शांति के साथ कोई किस्म की नारेबाजी या कोई किस्म का ऐसा बर्ताव हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से गांव का, शहर का, पूरे महाराष्ट्र का, देश का वातावरण खराब हो। ओवीसी साहब जब बोलते हैं तो पूरा देश उनकी बात सुनता है, तो इसलिए हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत ना हो, ऐसी कोई बात ना हो कि जिसकी वजह से उसके रिफर्केशन कुछ गलत तरीके से उनके और गलत तरीके के लोगों में ऐसा कुछ माहौल बन के वो लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट कर दे। तो ये सब चीज़, ये सब बातें हमको देखनी है और पूरे शांति के साथ ये प्रोग्राम हमें ख़त्म करना है। जो ऑर्गेनाइज़र है जैसे अमोल है और बाकी के सब लोग हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप जो है वो जो जो मैंने सूचना बताई है, हमारे एसीपी साहब ने बताई है, उसके ऊपर आपको 100% अमल करना है। और कल का होने वाला प्रोग्राम जो है सुबह ही हम एक बार फिर चेक करेंगे कि भाई क्या क्या किया इंतज़ाम, जैसे वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग करनी है, कहाँ कहाँ कितने इसमें गैंगवे रखना है और कैसा बंदोबस्त रहेगा, वो सब आपको कल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको वो सब बातें पूरी तरीके से करनी है, क्योंकि जब वो शुरुआत होती है और धीरे धीरे जैसे मौसम बढ़ता जाता है फिर निकलते समय
जो है लेडीज भी बाहर निकलेंगी, जेंट्स भी बाहर निकलेंगे, तो इस समय कोई किस्म की नारेबाजी ना हो, गलत तरीके से कोई बर्ताव ना हो, वो सब चीज़ हमें देखनी है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो युवा लड़के हैं, नई पीढ़ी के लड़के हैं, उनमें जोश ज़्यादा भरा हुआ होता है, उनका खून दौड़ता है, जाते समय उल्टी सीधे हरकतें ना करें, उल्टे सीधे नारेबाजी ना करें। क्योंकि भिवंडी शहर जो है, आप सभी को पता है, बहुत सेंसिटिव शहर है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरीके से कारोबार से लेकर सभी जगहों में जुड़े हुए हैं, और कोरोना काल के बाद भी अपने यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। तो ये माहौल को हमें बरकरार रखना है, ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम 100% करेगी, और आपको भी आपका अपना काम जो है 100% करना होगा। तो ये मतलब है, जो साउंड सिस्टम के बारे में भी बताया, और जो लाइट की व्यवस्था है वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी। आपके जो VIPs है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, स्टेज पे आने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा झगड़ा करें, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको उनको बताना है कि भाई इतने लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं, जिनके जिनके नाम है उनके नाम पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी, पास दी जाएगा। ऐसा कोई अचानक से आया, घुस गया, मुझे बैठने दो, तो ये काम आपका है। आगे ध्यान में ये बात आप सब लोग जो है वो ध्यान में रखिए। एक प्रोग्राम जो है कल का, वो अच्छा सा होना चाहिए, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको भी कोई शंका है, आपके मन में भी कोई बात है, सब एक कैसा होगा, किस तरीके से और काम करना है, क्या करना है, इसके बारे में सीधा आप हमारे ACP हैं, इंदलकर साहब यहाँ के इंचार्ज हैं, चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत कल की सभा है, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ये हमारी पूर्वजोर कोशिश है, और आपकी तरीके से भी, आपके तरफ से भी यही चीज़ होने की मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी सूचनाएं दी गई है, मैदान जो है पूरा ग्राउंड वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अभी मैंने बताया, और इसके पीछे लग के आपको सब करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से आपकी तैयारी हो गई है, अभी आपका रात का समय है, कल दोपहर का हमें, दोपहर 12 बजे पूरा ग्राउंड जो है वो हमें हैंडओवर आपको करना है। आपके वॉलेंटियर्स भी वहाँ पे रहने चाहिए, कुछ बाउंसर की ज़रूरत है वो भी रहनी चाहिए। हमारी पुलिस जो है वो BDDS की पुलिस आएगी, कल PWD के लोग आएंगे स्टेज का मुआयना करने, और बाकी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी आएंगे, तो आपको उनको सहकार्य करना है, कोऑपरेशन करना है, इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम हो सही तरीके से वो अच्छा सा हो। इसके बारे में कुछ किसी को कोई शंका, किसी को कुछ प्रॉब्लम की भाई सर ऐसा नहीं वैसा करेंगे, ये नहीं होनी, ये और सुधारना होनी चाहिए, और इसमें अच्छी सी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बोलो। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।